नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल ACF फॉरेस्ट। मैं आज आपको एक बहुत अच्छे फल के बारे में बता देता हूँ। आप लोग इस फल को, सभी लोग जानते हैं, इस फल को तरबूज बोलते हैं, खरबूजा, तरबूज हरा होता है, ये खरबूजा है, इसको खरबूजा बोलते हैं। ये इसके बीज है अंदर, ये देख लीजिए इसके बीज हैं। सभी लोग इसको भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, हम इसको बहुत खाते भी हैं। इसका आयुर्वेद में इसका बड़ा औषधीय गुण है मित्रों। ये होता तो नदी में है, और हम जब भी फल लाएं तो नदी के किनारे, तवा के किनारे, नर्मदा के किनारे, जो नदी के किनारे का फल है उसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो खेत में पैदा होता है उसमें आजकल खाद वगैरह डाल देते हैं तो औषधीय गुण उसके नष्ट हो जाते हैं। तो जब भी इस फल को लाएं तो किसी नदी के किनारे जो मिल रहे हों उसको जरूर लाएं। इस फल में होता ये पानी में है, परंतु ये गर्म प्रकृति का फल होता है। इसको जब भी हम खाते हैं, इसको टुकड़े छील के, इसको छिलका निकाल के, इसके फल को हम छोटे टुकड़े करके खाते हैं। इसके फल को जब भी आप खाएं तो इसके फल को शक्कर के साथ खाना चाहिए, थोड़ी इसमें शक्कर डाल देना चाहिए ताकि इसकी गर्मी कम हो जाए, फिर इस फल को खाना चाहिए। खरीदने के बाद इसको पानी में डाल के ठंडा करना चाहिए, ठंडा करने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ी सी शक्कर डाल के इसके पीस करके फिर इसको खाना चाहिए। एक और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण आयुर्वेद में इसके बारे में जानकारी दी हुई है कि इस फल को खाने के बाद या इस फल के साथ कभी भी दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पॉइजन हो जाता है और उल्टी दस्त का प्रकोप हो जाता है। इसलिए इस फल के साथ, क्योंकि ये गर्म है, दही ठंडा है, इन दोनों का मेल बिल्कुल नहीं बैठता, तो आयुर्वेद में इस फल के साथ दही का प्रयोग वर्जित है। इस प्रयोग को शक्कर के साथ खाना चाहिए इस फल को। एक और बात है कि इसके जो बीज हैं, ये छोटे छोटे बीज देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं खरबूजे की मगज। इसके अंदर से एक फल निकल, एक इसके अंदर से एक बीज निकलता है जो अति स्वादिष्ट और ठंडा होता है, वो अति बलवर्धक होता है। जब भी आप खरबूजे का मगज बाजार से खरीदेंगे तो बहुत बलवर्धक होता है। इसको शक्कर के साथ या मिश्री के साथ मिलाकर 100 ग्राम इसका बीज ले लीजिए, मगज ले लीजिए, और इसमें 25 ग्राम मिश्री मिलाकर रख लीजिए, डिब्बी में पीस के बना के रख लीजिए। इसको खाने से बलवर्धक जो शरीर की कमियां हैं, शरीर में, हाथ पैर में जो दर्द है, बच्चे जो बहुत दुबले पतले हो गए हैं, उनको अगर इसको मगज को खिलाया जाए तो इसमें तंदुरुस्ती बहुत आती है। पेट में बहुत ठंडक रहती है, जिनके पेट में ज़्यादा हीट रहती है, एसिडिटी है, गैस है, पेट में हमेशा गर्मी रहती है, बार बार पसीना बहुत ज़्यादा आता, जिन बच्चों को पसीना बहुत आता परेशान होते हैं, अगर इसका 1 माह तक प्रयोग कर दिया जाए, गर्मी में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए मित्रों। इसमें दिमाग में इसका, जैसा कि इसका नाम है मगज, मगज यानी हमारा दिमाग, इसलिए इसका तरबूजे का मगज कहा गया। तो ये मगज की शांति के लिए अत्यंत लाभकारी है मित्रों। इसका खरबूजे का मगज ले लीजिए, उसमें मिश्री बहुत ठंडी होती है, 25 ग्राम मिश्री डाल दीजिए 100 ग्राम में, कूट पीस के बच्चों को अगर आप खिलाएंगे तो उनकी मेधा शक्ति, याददाश्त शक्ति बहुत बढ़ती है, दिमाग ठंडा रहता है, चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है, नींद अच्छी आती है। किसी बाजार के टॉनिक की आवश्यकता नहीं। अगर आपका बच्चा पढ़ने रोज सवेरे जाता है, आप एक गिलास दूध में 1 चम्मच मिश्री और इसका जो मगज का बनाया हुआ चूर्ण है वगैरह आप उसको दे देंगे, दिन भर उसमें स्फूर्ति बनी रहेगी, ताजगी बनी रहेगी, पढ़ने में अच्छा मन लगेगा, दिमाग में शांति रहेगी, इसका प्रयोग ये करना चाहिए। इसका एक और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है मित्रों, क्योंकि ये गर्म है, जब इसको फल को आप खा लें तो इसके छिलके जो रहेंगे उसको धूप में सुखा लीजिए। उस छिलके को धूप में सुखाने के बाद पाउडर बना लीजिए। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज लोग इसकी छिलके के सुखाकर उसकी सब्जी बना के खाते थे। पुरातन लोग हमसे ज़्यादा आयुर्वेद जानते थे, हमसे ज़्यादा उनको ज्ञान था, परंतु हम उनको अज्ञानी समझ के उनके नुस्खों को छोड़ दिए हैं, वो बहुत कुछ जानते थे। तो इसके छिलके को सुखा लीजिए, जब ये सूख जाएगा, 4-5 दिन में धूप में सूख जाता है, इसको कूट पीस कर पाउडर बना के एक शीशे में रख लीजिए। इसका 1 चम्मच पाउडर सुबेरे कुनकुने पानी से और 1 चम्मच पाउडर रात को कुनकुने पानी से खाने से पथरी जो है आपके शरीर में, किसी भी प्रकार की, चाहे गाल ब्रेडल की पथरी हो, चाहे आपकी किडनी स्टोन हो, बिना किसी ऑपरेशन के ऐसे गल के निकल जाती है जैसे पानी। ये पथरी को पानी बना देता है। ये इतना महत्वपूर्ण फल है, पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए,
नर्मदा के किनारे या तवा के किनारे या किसी नदी के किनारे का ही फल लीजिए, अभी बहुत फल मिल रहे हैं, उनके छिलके को निकाल के सुखा कर रखें। जिन जिन रोग भाइयों बहनों को पथरी का रोग है, इसके छिलके का प्रयोग करिए, आप देखेंगे 15 से 20 पहले आप जांच करा लीजिए, इसके पाउडर को खाइए, 15 से 20 दिन में पथरी का साइज कम हो जाएगा। छोटी पथरी है तो गल के निकल जाएगी, ये बहुत तेजी से पथरी को गलाता है, इसमें एक विशेष गुण है मित्रों। तो किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, मात्र इसके छिलके के प्रयोग से पथरी में आपको संपूर्ण आराम मिलेगा। इसमें एक और गुण होता है, इसके जो छिलका रहता है इसमें एक और गुण होता है कि ये एंटीवायरल भी होता है, आपके शरीर में अगर किसी प्रकार का वायरस से बुखार नहीं उतर रहा है तो भी ये लाभकारी होता है। तो आप लोग ने YouTube के माध्यम से मेरे इस वीडियो को देखा, आप देखिए और सबको बताइए, खास करके पथरी के रोग में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत पैसा लगता है, 35 से 40 हज़ार लोग ऑपरेशन कर लेते हैं, लेथोट्रिप्सी कराते हैं, उसमें ज़रा सा इधर उधर गड़बड़ हो जाए तो वर्टिब्रल कॉलम खराब हो जाती है। हमारे कई मित्र इससे परेशान हैं, उन लोगों ने मुझसे फ़ोन पे बात की थी कि आप पथरी के संबंध में कुछ बताइए। तो ये अत्यंत सरल, पथरी के तो वैसे बहुत सारे आयुर्वेद में प्रयोग है, परंतु ये सबसे सरल प्रयोग और सहज प्रयोग है, ये आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं। सब लोग इस फल को जानते हैं, ले आइए, करिए, लाभ उठाइए। आप मेरे YouTube के माध्यम से और लोगों को भी प्रसारित करिए, आप तो लाभ उठाइए, साथ में आपके साथियों को भी बताइए, ताकि सब लोग स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें, यही मेरा प्रयास है। बच्चे भी अच्छे रहें, पढ़े लिखें, ये देश तरक्की करें। नमस्कार, धन्यवाद।